तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टिकाउस पे। तो जैसा कि दोस्तों बात करने वाले हैं हम यहाँ पर Vivo की तरफ से दो फोन आने वाले हैं जिसमें एक ही कीमत 25,000 आपको देखने को मिलती है V21e और राइट हैंड साइड पर देखने को मिल जाएगा V21। दोनों फोन यू हैं आप जो 5G के साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ ट्रिपल कैमरा है, यहाँ पर एक तरफ डुअल कैमरा है और प्राइमरी लेंस यहाँ पर 64 का है और कुछ सैंपल हम आपके सामने रखने वाले हैं वाइड एंगल लेंस के भी। तो वो भी जानने के लिए बिल्कुल वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा किसमें आपको बेटर क्वालिटी का फोटो एक्सपीरियंस और वीडियो एक्सपीरियंस यहाँ पर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे यहाँ पर जो स्लो मोशन वीडियो है दोनों ही फोन की, वो मैंने आपके सामने कैप्चर कर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मूथ ज्यादा स्लो जिसमें आपको देखने को मिलती है वो है Vivo का V21 एंड Vivo V21e के अंदर कलर वगैरह जो है वो ज्यादा अच्छे निकल कर आते हैं। लेकिन अगर बात करें दोनों के अंदर जो हमें सैमसंग वगैरह के अंदर ऑप्शन मिलता है अपनी चीज को यहाँ पर एडजस्ट करने का स्लो मोशन वाली वीडियोज को, वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पर फ्रेम रेट भी इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नॉर्मल एक स्लो मो जैसे वीडियो शूट करते हैं जिस हिसाब से कैमरे के पिक्सल की आपको वीडियो शूट मिलेगी वो यहाँ पर इतनी तरह की स्मूथ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको स्लो मोशन वीडियो भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक किसी भी ऑब्जेक्ट का फोकसिंग भी क्वालिटी जो है इसके अंदर आपको बेटर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये चीज़ हमें दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज यहाँ पर 64 का लेंस है दोनों के अंदर। और एक चीज़ हमें यहाँ पर फोटोज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे बिकॉज यहाँ पर हमने अलग अलग सब तरह के फोटोज़ लिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फोटो देख सकते हैं आप, तो इसके अंदर कहीं कहीं पे Vivo V21e में मेनली हमें कलर जो है थोड़े थोड़े से एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, थोड़ा तो बूस्ट हो जाते हैं। आप सारी इमेजेस में ये चीज़ चेक कर पाएंगे और वाइड एंगल की जो रेंज है दोनों ही फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का लेंस है वो आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आपको जो रेंज है वो बिल्कुल सिमिलर से देखने को मिलती है। कलर इनहेंस जो है वो आपके V21e के अंदर थोड़े से वही ज़्यादा निकल कर आते हैं। एक नेचुरल और कोशिश जो रखी है वो Vivo V21 के अंदर आपको देखने को मिलती है। जैसे कि पेवर्स आप देखते हैं रेड एंड वाइट यहाँ पर आपको दिख रहा हो, तो जो डार्क कलर होते हैं लाइक रेड ब्लू वगैरह ये आपके थोड़े से यहाँ पर डार्क आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलग फोटोज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रासरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है वो आपको दोनों ही फोन के कैमराज के अंदर ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर वही कुछ ज्यादा थोड़ा सा कलर जो है डायनेमिक रेंज वगैरह काफी अच्छी निकल कर आती है और नेचुरल रखने की कोशिश Vivo V21 ने की है। कहीं कहीं पर कलर एक्सपोजर जो है थोड़ा सा बूस्ट हो जाते हैं Vivo V21 के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट ब्लेंड्स वगैरह कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है वो काफी अच्छा यहाँ पर मेंटेन करके रखता है Vivo V21। और यहाँ पर आपको कलर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन डिटेलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन के अंदर जो है डिटेलिंग वो ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। लेकिन Vivo V21 के अंदर Vivo V21e के अंदर हमने कहीं कहीं पर देखा है उसमें आपको और ज्यादा डिटेलिंग थोड़ी सी ज्यादा निकल कर आती है। आप पीछे बैकग्राउंड तक की भी चीज़ों को देख सकते हैं, लाइक वॉल आपको दिख रही होगी, इसमें आपको Vivo V21 काफी ज्यादा अच्छी चीज निकाल कर दे देता है। वहीं अगर बात करें अगर इस फोटो की, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन काफी अच्छा है प्राइमरी लेंस के अंदर भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें दूसरी चीज़ों की कलर वगैरह की, तो सेचुरेशन वगैरह का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है Vivo V21 के अंदर। और Vivo V21 के अंदर आपको नेचुरल इमेज रखने की कोशिश की है, जैसे पीछे बादल आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा सनी डे नहीं था लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा आपको डल इमेज की जो है वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो रही है Vivo V21e में। Vivo V21 के अंदर ये डिटेलिंग हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉपर देखने को मिली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन फोटोज़ के अंदर थोड़ा सा कलर करेक्शन वगैरह की चीज़ों में थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, लेकिन आपको दोनों ही फ़ोन के फोटोज़ जो हैं स्मूथनेस एंड कलर नेचुरल जो निकल कर आते हैं वो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती है। कहीं कहीं पे आपके एंगल पे भी डिपेंड करता है, जैसे आप इस फोटो को देखते हैं तो इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो जाता है कि Vivo V21e जो है आपके अगर सन के अपोजिट जाकर आप फोटोज़ क्लिक करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको कलर बूस्ट करके देता है। एंड Vivo V21 के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। HDR के ऊपर भी थोड़ा सा मेंटेन करके आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हम देखते हैं वाइड एंगल के जो फोटोज़ हैं वो थोड़े से ज़्यादा आपको हार्श देखने को मिलते हैं Vivo V21e में। Vivo V21 के अंदर थोड़ी सी डल हो जाती है इमेज, लेकिन कैप्चरिंग क्वालिटी जो है रेंज वगैरह जो है वो आपको दोनों ही फोटोज़ की काफ़ी बेस्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने एक जूम टेस्ट करा था, इस एंगल पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल है उसके ऊपर लाइट है, तो वहाँ तक हम जाके इसको जूम करने वाले हैं। जैसे 1x पर आप देख सकते हैं इस शॉट के अंदर दोनों ही फोटो में काफ़ी अच्छी इमेज निकल कर आती है। Vivo V21e यहाँ पर थोड़ा सा बेटर रहा। जूम करते हैं 2x से जूम तक, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग दो इमेज आपको नजर आ रही होगी। दोनों में 64 का लेंस है लेकिन डिफरेंस आपके सामने बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है। अगर बात करें 5x जूम की, तो यहाँ पर आप डिटेलिंग वगैरह की बात करें दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छी है। कलर वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा है, इसके अंदर हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ डिटेलिंग निकल जो आ रही है वो Vivo V21e में देखने को मिलती है, क्योंकि बादलों का जो कलर है वो आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है Vivo V21e में। 10x जूम तक भी जाते हैं तो डिटेलिंग वगैरह जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाती है Vivo V21e में। तो प्राइस का भी डिफरेंस है लेकिन यहाँ पर लेंसेज की वजह से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट शॉट वगैरह के अंदर आप फोटोग्राफी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की, तो आप देख सकते हैं आप
काफ़ी एजेस वगैरह जो मेंटेन करके रखता है वो यहाँ पर वीवो वी ट्वेंटी वन के अंदर काफ़ी बेस्ट है। वीवो वी ट्वेंटी वन ई में थोड़ी सी ये चीज़ आपको गड़बड़ाहट वाली दिखने वाली है। तो पोर्ट्रेट शूट वगैरह के अंदर भी आप देख सकते हैं थोड़े से कलर बूस्ट वाली प्रॉब्लम जो है हमें वो वीवो वी ट्वेंटी वन ई के अंदर यहाँ पर भी देखने को मिलती है। एजेस वगैरह मेंटेन दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छा है, डिटेलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी निकल कर आ जाती है आपकी दोनों ही शॉट्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकसिंग की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेटर यहाँ पर रखी गई है और थोड़े थोड़े से ये कलर जो हैं वो एग्जॉस्ट होते हैं वीवो वी ट्वेंटी वन ई में। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें, डिटेलिंग वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। ये कुछ हमारे सामने एक और सैंपल है, लाइट के अपोजिट में जाकर भी आप शूट करते हैं आप, तो वीवो वी ट्वेंटी वन यहाँ पर बेस्ट है। तो फ्रेंड आपको कैसे लगे वीडियो, बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, आपके क्या राय है दोनों ही फ़ोन को लेकर कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए टिकाउस की फैमिली के साथ।